हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल जा रहे हैं गांव में और पानी की बाल्टी लेके और गांव की सैर बहुत दिनों बाद। पीछे आ रहे हैं हमारे विलेज टूर। ऐसे धीरे धीरे जाएंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो। हाँ ले चल बता। हाँ जागी जी। हाँ अच्छा। ऐसी जी अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। ये हैं गेहूं के खेत जो कट चुके हैं। देखो दोस्तों, मेरे पीछे आम का पेड़, इस पर काफ़ी आम लग रहे हैं। अभी मैं गांव में हूँ फिलहाल। ये अपने खेत चारों तरफ, ये बाबा जी का चौतरा, चबूतरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थान बोलते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है। ये अपना कुआं, ये है चबूतरा, अपना कुआं। ये चलो चलते हैं आम तोड़ने के लिए। ये भी चबूतरा अपने बाबा जी का, आम देखते हैं इधर हो तो। ये आम के पेड़, इस पे भी आम लग रहे हैं। पेड़ों पे आम तो नीचे नहीं है, ऊपर ही लग रहा है। और अभी एक ही आम मिला है, छोटा सा। तो आम मिल गया जी, आम मिल गया। आम के पेड़ छोटे हैं पर आम तो होते हैं। नहीं, बिल अंदवा जैसे बिल लिया बस खाने आम। जहाँ भाई साहब खूब रस निकल रहा होगा मधुमक्खी के छत्ता में, देख एन गीलो है, चैंटी लग रही है हमें। नहीं निकले बाबा, मैंने खत्म कर दो। हालांकि स्वाद आगो, मीठो ही आगो। आम खूब लग रहे हैं। देखो यहाँ बनते और थोते फोते सगा। तू चली जा देवी जा पारे पे। ओए रुक। तो दोस्तों फिलहाल आम की बाल्टी भर चुकी है अपनी, और अभी ये पहुंचाते हैं कहीं, किसी को देते हैं और जो चले जाएंगे। उसके बाद कल फिर आएंगे और आम तोड़ेंगे। चार पांच दिन का मस्त गांव में टूर है, आराम से गांव में रहने का और आम खाने का। आम तोड़ते नहीं हैं, जो जड़ते हैं ऊपर से पेड़ से हवा से, सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, बाकी कोई नहीं। अभी मैं पार पे आ चुका हूँ, आपको सूखा है वैसे ताल दिखाता हूँ, देखिए। ये है तालाबसाई के लिए रोड और ये गया सीधा राम सागर के लिए। फिलहाल आपको अभी मैं खड़ा हूँ रोड पर। अभी ये तालाब है, आपको थोड़ा सा पानी इधर दिख रहा होगा। खेत सारे खाली, क्योंकि गेहूँ कट चुके हैं। अभी ताल भी सूख चुका है, अभी इधर से आएगा वो। ये पेड़ है यहाँ पे काफ़ी दोनों साइड, और ये अपनी आम की बाल्टी इधर रखी है पूरी भरी हुई। अभी आम का अचार तो बना नहीं सकते, क्योंकि आम अभी छोटा है, ये तो हवा से जर गया है। तो इसको लेते हैं, जो ख़राब आम है उसको थोड़ा सुखा लेते हैं, तो उससे खटाई बन जाती है। और जो बड़े आम हैं उनकी बनाते हैं सब्जी।